सीआरपीएफ विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, राष्ट्र का सुरक्षा प्रहरी, जिसके वीर जवानों ने आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिक दंगे, प्राकृतिक आपदा जैसी विषम चुनौतियों का हर पल डटकर सामना किया और निर्मित किया एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास जिसके हर पृष्ठ पर शौर्य व वीरता की गाथाएं स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, जिसे सारा विश्व आज नमन करता है। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और इतिहास साक्षी है कि इस जिम्मेदारी को हमने अपनी जान पर खेलकर निभाया है। इसके अलावा एक और जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर, अपने उन कार्मिकों के प्रति जो अपने घर परिवार से दूर राष्ट्र के सुदूर अंचलों, उत्तर पूर्व, जम्मू कश्मीर और नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में देश के प्रति अपने कर्तव्यों को अंजाम दे रहे हैं। उनके पीछे उनके परिवारों की देखभाल की, उनकी समस्याओं के समाधान की और इस जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया है कावा यानी सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन ने। सन 1995 में कावा हमारे बल के परिवारों की कल्याण गतिविधियों और उनकी देखभाल करने के लिए एक पंजीकृत संस्था के रूप में अस्तित्व में आई और एक ऐसा मंच बन गई जिसके माध्यम से कार्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के समग्र कल्याण, बच्चों की शिक्षा, विधवाओं एवं विकलांग कार्मिकों के पुनर्वास के लिए कई योजनाएं चलाई गयी। यही नहीं, कावा ने परिवार कल्याण केंद्रों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे पहलुओं से परिवारों के लिए अतिरिक्त आय के साधन जुटाकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम भूमिका निभाई है। कावा इमर्ज्ड एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट विद द मिशन टू जनरेट अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन द माइंड ऑफ सीआरपीएफ लेडीज, डेवलप मैनेजरियल स्किल्स to promote programs for rehabilitation of widows, handicapped and mentally retarded children, to facilitate development of academic and vocational skills, provide training for the serving and retired CRPF personnel and their families, to organize cultural and sports activities, HIV and AIDS prevention, alcohol and drug de-addiction programs. प्रस्तुत है कावा के इतिहास की स्वर्णिम झलकी। कावा की प्रथम अध्यक्षा के तौर पर श्रीमती इंदु त्रिपाठी ने कावा के गठन में एक अहम भूमिका निभाई। बीतते वक्त के साथ कुशाग्र एवं दक्ष नेतृत्व में कावा एक नन्हे पौधे से एक सशक्त एवं विशाल वृक्ष बन गया, जिसकी घनी छाया में सामाजिक उत्थान एवं पुनर्निर्माण की विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित किया गया और वर्तमान में कावा की बागडोर संभाली हुई है श्रीमती संध्या मिश्रा ने, जो न केवल महिलाओं, शहीदों के परिवारजनों एवं विकलांग कार्मिकों की समस्याओं को दूर करने में अथक रूप से प्रयासरत हैं, अपितु आपके कुशल नेतृत्व में कावा सफलता एवं जन कल्याण की नवीन बुलंदियों की ओर अग्रसर है। कावा ने हथकरघा, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, हस्तकला, खाद्य उत्पाद निर्माण इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। In order to provide a market to these products, the CRPF Melas and annual welfare exhibitions are being organized by Kawa that not only generate an extra source of income, but also provide a nationwide recognition to the skills and talent of our ladies. यही नहीं, बदलते वक्त की रफ्तार के साथ वर्तमान परिपेक्ष में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु हमने महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन, कंप्यूटर, ड्राइविंग एवं सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण भी प्रदान किया। हेलेन केलर वंस सेड दैट वेलफेयर ऑफ ईच इज बाउंड अप इन द वेलफेयर ऑफ ऑल, देयरफॉर Kawa never limited itself only to ladies, rather their children have also been provided skills of drawing, computers and self-defense for their all-round development. Further to motivate and inspire them, they are also being provided scholarships
फॉर देयर एक्सलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्वस्थ एवं निरोगी शरीर, मानसिक शांति एवं मनोरंजन के लिए नियमित योगाभ्यास, खेल प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन कर तनाव प्रबंधन एवं स्वास्थ्य संवर्धन में कावा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के उत्तरदायित्व को निभाने हेतु हम वृक्षारोपण एवं श्रमदान द्वारा अपना सर्वोत्तम योगदान भी दे रहे हैं। वी ऑल्सो हैव आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स सीनियर सिटीजन्स, हैंडीकैप्ड एंड द पुअर एंड डाउनट्रोडन पीपल ऑफ द सोसाइटी, विच वी डिलीवर बाय ऑर्गेनाइजिंग मेडिकल कैंप्स, डोनेटिंग बुक्स क्लोथ्स टू पुअर एंड द नीडी, एंड बाय सेलिब्रेटिंग सीनियर सिटीजन डे वेयर वी ऑनर सीनियर सिटीजन्स, ऑर्गेनाइज फ्री हेल्थ चेक एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज फॉर देम। समाज सेवा के अपने इस संकल्प को हमने केवल राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु हम इसे राष्ट्र की सीमाओं से पार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। नेपाल के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए कावा द्वारा यथोचित मात्रा में सहायता सामग्री वितरित की गई। इस प्रकार से कावा ने अपने अस्तित्व के गौरवमयी 20 वर्षों में त्रसित मानवता को शीतलता व करुणा के मरहम से राहत पहुंचाई है और समाज कल्याण एवं नारी सशक्तिकरण के नवीन आयाम स्थापित किए हैं, जो सजग होते हैं इन पंक्तियों में, शक्ति को ना ललकारो, इसको नारी ही रहने दो, करुणा ममता की सरिता ये कल कल शीतल ही बहने दो। जय हिंद, जय सीआरपीएफ।